हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये मैंने आम की खट्टी मीठी सी चटनी बनाई है जो बहुत ही यम्मी लगी थी, बहुत यम्मी। चलिए बनाते हैं। इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक आम लेंगे। चाहे मैंने एक आम से ही बनाया था क्योंकि एक आम बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, तो एक दो दिन के लिए बनाने के लिए एक आम भी काफ़ी होता है। तो एक आम लिया मैंने, उसको अच्छे से काट लिया, मतलब कि बहुत बारीक नहीं काटना है, बहुत मोटा भी नहीं काटना है, मीडियम साइज़ में आपको कट कर लेना है। ये मैंने सबको मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब मैंने कढ़ाई गरम किया, उसमें जीरा, दालचीनी, जो साबुत सूखी मिर्च होती है ना, लाल मिर्च, वो डाला, तेज़पत्ते डाले, उसके बाद कड़ी पत्ता डाला। जब कड़ी पत्ता थोड़ी सी आवाज़ की ना, मतलब कि पॉपअप होने लगा, तो मैंने इसमें सौंफ डाला, क्योंकि सौंफ इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका अरोमा जो आता है ना, वो एकदम मैंगो के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इन सबको थोड़ा सा मैंने स्टर किया। बाद में मैंने 3-4 सीडलेस जो होते हैं ना, खजूर, वो डाल दिए। खजूर डालने के बाद मैंने फिर जो कटे हुए जो आम थे वो मैंने डाल दिया। इसको डाल के थोड़ा धीरे धीरे मैंने फ्राई कर दिया। फ्राई करते करते इसको, मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पे चलाना है इसको अच्छे से। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। फिर आप इसके अंदर जो भी सूखे मसाले होते हैं, लाइक मैंने इसे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाला है, चिली पाउडर डाला, फिर कोरिएंडर पाउडर डाला है, धनिया पाउडर जिसे कहते हैं, वो डाला। डाल के फिर अच्छे से मिक्स किया है। अभी तो मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है, क्योंकि दोनों जो खजूर है और आम है, दोनों की तासीर जो होती है वो जल्दी गलने वाली है, इसलिए आप इसको हाई फ्लेम पे भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला, फिर ये जैगरी पाउडर डाला, मीडियम आँच पे किया और अच्छे से मिक्स किया है। और ये जब गुड़ डालते हैं ना, जैगरी पाउडर जो होता है वो गुड़ होता है, गुड़ का पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जब वो डालने के बाद इसकी जो टेक्सचर होता है और इसका जो लुक होता है, बिल्कुल अमेजिंग लुक होता है, देखते ही खाने का मन करता है। बहुत ही अच्छे से ये गुड़ घुल गए और खजूर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, आम भी एकदम पक गए हैं, अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। फिर मैंने बनने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से बाउल में निकाल लिया है। और फिर आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, लाइक ब्रेड, पराठा, थेपला, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। सब में ही बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है गाइस। तो फिर बनाइए और खाइए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।